तो जल संचयन और मत्स्य पालन को लेकर एक तरफ सरकार तालाबों का जीर्णोद्धार करा रही है तो वहीं कैमूर के सागर में तालाब जीर्णोद्धार के नाम पर लूट मची हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब की खुदाई में अनियमितता बरती जा रही है। 7 फीट की जगह 3 से 4 फीट ही खुदाई की जा रही है। इस मामले में लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता रामानुज प्रसाद का कहना है कि ग्रामीणों ने योजना स्थल प्राकलन से संबंधित बोर्ड लगाने की मांग की है। अभी कार्य प्रगति पर है, हम कार्य में ही आवश्यक सुधार करवा लेंगे जी, ठीक ना। हाँ। अभी आज भी हम निरीक्षण करने जा रहे हैं, वहाँ बोर्ड नहीं लगाया गया है। बोर्ड तो आज लग गया, वहाँ लोग बताया है कि यहाँ 7 फीट खनाई तो प्रगति पर है ना काम, उसमें अभी काम होना है, अभी तो हो रहा काम। मामला इस पोखरे की खुदाई के संबंध में है। जब सहायक अभियंता बोले यहाँ पर कि ये इसका निकना 2,65,00,000 का एस्टीमेट है और 7 फीट खुदाई करना है। कितना खुदाई हुआ है अभी तो औसतन मान लीजिए कि 2 फीट हम माने तो माने। मामला अनियमितता की है जी। इस तलाब सहायक अभियंता यहाँ पर आए, हम लोगों ने उनसे पूछा कि आपका योजना ठीक से मतलब विभाग के द्वारा किया जा रहा है ये खुदाई और इसका बोर्ड।